देखिए बच्चों, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो गर्दन में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे इतने में। उसके बाद ये थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां से यहां तक आएंगे थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ये चेस्ट के जस्ट पीछे साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा, सारी रिब जो होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, पेट के रीजन पे आएंगे, यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा, इतने में लंबर वर्टिब्रा। और सबसे नीचे आएगा ये सैक्रम वर्टिब्रा, सैक्रल, और ये पुछड़ी जैसी जरा सी निकली होती है, जरा ये जरा सी, इसको बोलते हैं कॉकिक्स वर्टिब्रा, ठीक है ना, याद कर लीजिए फटाफट से। हाँ, सैक्रम यानी सैक्रल, एक ही बात, सैक्रल वर्टिब्रा यानी सैक्रम। हाँ, कॉडल वाली सब एक है बेटा, सैक्रम भी एक है, कॉडल भी एक है। हाँ, एक एक अलग अलग है बेटा। देखिए, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा, इधर भी सात, इधर 12 थोरसिक वर्टिब्रा, इधर भी 12, ठीक है। ये देखो 12 है, यहाँ से काउंट करते हुए आओगे आप थोरसिक। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन में होते हैं, थोरसिक वर्टिब्रा चेस्ट रीजन में होते हैं। लंबर वर्टिब्रा बच्चों कितने? पांच, इधर भी पांच, बस ये दो में फर्क आता है। देखो यहाँ पे बच्चों में ये होते हैं पांच और ये होते हैं चार, ये पांच फ्यूज होके एक बना लेते हैं और ये चार फ्यूज होके एक बना लेते हैं बच्चों, समझे आप, ये डिफरेंस है। खैर, आप काउंट करोगे तो ये टोटल आएगा 26 वर्टिब्रा, इसीलिए बोला है 26, सुन रहा आप, जबकि यहाँ आएगा 33, क्या आएगा 33। बच्चों का कोई पूछता नहीं है, डोंट वरी, पर हाँ कभी ऐसा पूछ ले कि सैक्रल वर्टिब्रा इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्राज, आंसर 5 वर्टिब्रा। बाकी थोरेसिक स्पाइन लाओ, लंबर स्पाइन लाओ, सैक्रल स्पाइन लाओ, कॉर्डल स्पाइन लाओ, एक, याद रखना ये पांच है लेकिन यहाँ पे ये एक है, ठीक है ना, ओके। ये जो कॉकिक्स वर्टिब्रा है ये ह्यूमन बींग में वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या है, पूछ थी तो लंबा था, और इधर मक्खियां उड़ाना, ये करना वो करना, चलते टाइम बैलेंस बनाना, भागते टाइम स्पेशली किस लिए, शेर से बचने के लिए, जब भाग रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो जो पूछ होती है ना वो, जब शेर भाग रहा है एकदम नजदीक आ चुका, टच कर दिया उसने आपको, तो क्या पकड़ता है, पूछ पकड़ता है, पूछ पूछ पहले आएगी ना, ऐसे भाग रही तो पूछ टकराएगी, पूछ टकराने से ब्रेन को पता लग जाता है कितनी दूर है, टच कर दिया क्या, टच कर दिया अगर तो सीधे नहीं मरे का है, इसलिए तो पूछ है, पूछ बचाएगी ना, सीधे भाग रहे तुरंत आपको ड्रिफ्ट करके खटैक से इधर कूदना है, शेर उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, ये शेर आगे पहुंच जाएगा, टॉम एंड जेरी टाइप, ठीक। फिर ऐसे 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 करके तो पूछ सर्वाइवल में भी हेल्प करती है, बैलेंसिंग में हेल्प करती है, समझ रहा, ठीक है। मक्खी अक्खी तो उड़ाई देती है, जब शेर हो तब मक्खी नहीं उड़ाती, लेकिन तब वो शेर से प्रोटेक्शन के लिए। हाँ हाँ, पूछ में भी बोन्स होती है, अपने में पूछ नहीं होती ना, ह्यूमन का पढ़ रहे हैं अपन, अपने में पूछ नहीं होती, ठीक है ना, ओके बच्चों। तो दीज आर द वर्टिब्रा, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, बच्चों हर वर्टिब्रा में आपको एक ही छेद मिलेगा, देख रहा, ये 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 है न्यूरल फोरामेन, क्या है ये, न्यूरल फोरामेन, एक्चुअली ये जो स्पाइन है इसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन, क्या बोलते हैं, तो उसमें जो छेद होता है वो न्यूरल फोरामेन होता है। सारे वर्टिब्रा में जो न्यूरल फोरामेन यहाँ से ऐसा पास होता है वो जाएगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसी न्यूरल फोरामेन में से तो कौन पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए वर्टिब्रा कॉलम होती है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये वाला वर्टिब्रा नंबर वर्टिब्रा वन सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा, वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस वर्टिब्रा, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल टू वर्टिब्रा बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। तो फर्स्ट C1, ऐसे ऐसे उनके नाम ऐसे ही लेते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से, हाँ उसको बोलते हैं बेटा C1, C2, C3, C7, समझ रहे हो आप, थोड़ा सीख होगा तो T1, T2, T3 एंड ऑल एंड सो ऑन, T12, L1, L2, L3, लंबर पंक्चर कहाँ से करते हैं, L3 वर्टिब्रा से, यस, और ये कॉकिक्स वर्टिब्रा। बच्चों ध्यान सुनिए, C1 वर्टिब्रा को नाम दिया है एटलस वर्टिब्रा, एटलस साइकिल चलती है, तो एटलस वर्टिब्रा, एटलस साइकिल के एड में एक आदमी रहता है, वो अर्थ को अपनी पीठ पे उठाए रहता है, पीठ पे नहीं एक्चुअली वो एटलस वर्टिब्रा पे उठाए रहता है, ठीक है। तो जितना मजबूत एटलस वर्टिब्रा है उतनी मजबूत हमारी साइकिल, मैं एजेंट नहीं हूँ एटलस वालों का। अब ध्यान सुनो, एटलस एक्सिस वर्टिब्रा का बड़ा इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिए बच्चों। हाँ, ये जो पार्ट बताया है प्यारे बच्चों, ये पार्ट इस वर्टिब्रा का नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये पार्ट है ये वाला,
ये है, इसको बोलते हैं ओडोन्टॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओडोन्टॉइड प्रोसेस। तो सबसे सबसे ऊपर ये वर्टिब्रा, ये C1, उसके नीचे आएगा ये ऐसा, तो इसका ये ठुचका उसमें से घुस जाता है, समझ रहा? तो ये ओडोन्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे फिट होता है। तो ओडोन्टॉइड प्रोसेस किसका फीचर है, एक्सिस का कि एटलस का? एक्सिस का, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, इसका यूज क्या है। मान लो ये है पहला वर्टिब्रा, कौन सा? एटलस। ये दूसरा वर्टिब्रा, इसमें ये ओडोन्टॉइड प्रोसेस किसका फीचर? ओडोन्टॉइड प्रोसेस इस एटलस वर्टिब्रा में जाके फिट हुआ। अब एक जॉइंट बनता है, बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। बोलिए। और ये जॉइंट नो जॉइंट कहलाता है। देखो इसको अगर स्टेबल रखा, पूरे सारे वर्टिब्रा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबल रखा, सेकंड वर्टिब्रा को भी स्टेबल रखा, और सिर्फ फर्स्ट वर्टिब्रा को मूव करेंगे तो ऐसा, ये नो बोल रहा है, बोल रहा है नो, तो ये नो जॉइंट कहलाता है। तो नो जॉइंट ऑब्लिक एटलांटो एक्सियल जॉइंट, नो जॉइंट। ये किसको स्टेबल? सेकंड वर्टिब्रा से लेके सब नीचे तक, तो सेकंड वर्टिब्रा स्टेबल है। कौन मूव कर रहा है? फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है ना। तो सीधी बात है, मूवमेंट के लिए ऐसा एक चाहिए और इसमें ये चाहिए ना, इसलिए ये ओडोन्टॉइड प्रोसेस सिर्फ किसमें मिलता है? एक्सिस वर्टिब्रा में, यानी कि C2 में, ठीक है।